ये क्या चीज़ है इसके अंदर? ये मूंग की है। तेल का चीज़ है। अभी पर मैन्युफैक्चरिंग के डुप्लीकेट चूल लगाए ना। पैक कर रहे हैं, पैक का सामान कहाँ पे है? पैक में स्टैंप लगाते हैं ना। एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, स्टिकर है आपके पास? स्टिकर नहीं लगाते हैं आप। फोन पे नेट वेट कितना है, कब एक्सपायर होगा, कब बना चुका है, ये दुकान में देते हैं, तुरंत आते हैं कस्टमर। नहीं, फैक्ट्री से सील देके जाना होता है ना। बाकी दे दोबारा कीजिए। अभी क्या करूँगा कितने सामान दिखाइए। हाँ, म्यूनिसिपल से कौन आए हैं? म्यूनिसिपल से देंगे किसी को ऐसे वाला चीज़ जुता पहन के। उन महिला छ भाइ मान्दैन हुँदैन यो। हुन्छ त्यस्तो महिला हुँदैन। त्यही त हुँदैन। के टेबल बसाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, हिम्मा गर्छ हेर यो। बनाते उधर है आप कुछ बड़ा का ये कहां पे बनाउनु के? कहाँ बनाउनु? हेलो, मैं आपको ये यस्तो सर्भिस केयरलेस गरेर काम गर्छ हैन? सर यो बनाउनु पर्छ भनेर हैन नि त। तिमीले हेर त यो कस्तो केयरलेस, कस्तो मैला गरेर राखेको न त। तिमीले कुनै प्रकारको यो आगो को कुनै काण्ड भयो भने तिमीले आगो भाइ हाम्रो एक प्रोग्राम आछ त भाइ। एक्सटिंग्विशर भाइ, फायर से है अपना। तो भाई एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है? ये इतना भारी कैसे हो गया? कैसे इसका सील खुला, सील लगा हुआ है। ये ऊपर इसको रिफिलिंग को काम सर। और तो तीन रेट को पहिले दिदी पर्यो छैन त भाइ? छैन त। कहिले रिफिलिंग गरेको? यो पुरा रस्टिङ भएको छ। यस्तो कहाँ हुन्छ? यो सील भी काट दिया। ये पूरा रस्टिङ भएको छ। ये नभनेको 5-6 वर्षदेखि माथिको हुन्छ। अनि यस्तो कहाँ हुन्छ? इसमें काम ही तो नहीं होगा। नया रिफिलिंग को खै कागज यहाँ, लेकिन काम नहीं करेगा। पूरा रस्टिंग है। पूरा भाई ये फोटो खींचा था। ये गोडाउन जाने का रास्ता कहाँ पर है दीदी? सब एक्सपायर हो गए। म्यूनिसिपैलिटी आप लोग इसको हिफाजत में ले सकते हैं। हाँ, इसको इतना एक बस्ता रेशम का आटा कहाँ से मिला उनको पूछना है। चलिए क्या है? इधर पे डालिए ना। ये कहाँ का आटा है? ये हम लोग का राशन का आटा है। हम लोग घर चले गए थे तो खराब हो गया था, इसलिए यहाँ पे रखे हैं। इतना आटा कहाँ से मिला आपको? अरे हम लोगों को राशन भी मिलता है। आप अरे अरे क्यों बोल रहे हैं? हम आपका नौकर है नहीं, हम गवर्नमेंट का ड्यूटी कर रहे हैं। आपने ये सब एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया। नहीं, इतना आटा कहाँ से मिला आपको? ये तो फूड सप्लाई का क्या है इसमें? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये तो जलपाईगुड़ी का आपका रेस्टोरेंट जलपाईगुड़ी में है ना? ये पूरा बोरा है, एक बोरा आपका रेशन कार्ड कौन सा ग्रुप का है? अंतर्दान जो दोनों का ये वही। आप लोग पुलिस का टीम से भी उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ये पूरा एक बोरा रेशन कार्ड लेके आया, ब्लैक में शायद लेके आया। त्यसको रिसिभ छ त्यो ल्याउनु, ५०० त्यो रिसिभ ल्याउनु। इसीलिए तो वहाँ पे रखे है ना, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं खाता है पीता है। मुर्गी को डालते हैं कभी कभी, बस वही होता है। नहीं नहीं, आपको कहाँ से मिला? रोशित तो होगा, ये तो गवर्नमेंट का सामान है, तो रोशित कहाँ पे है? इधर पे पूरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तो डीएम से, डीएम मैडम को तो बताना पड़ेगा इसके बारे में। राशन कार्ड तो छोड़, राशन कार्ड देखो ना, रिसीव करने पापा पाक्षी ना राशन को दिन्छ त। अन्त राशनको राशन कार्ड त हुन्छ त, राशन कार्ड भन्नु भयो, राशन कार्ड देखाउनुस् न त। त्यही भन्दै छ कसै जोसे भले नै सुनाइदियो त मेरो कालमा कम्पनी त मनोज कोन सा भन्नु एड्रेस, एड्रेस बोली यहाँ बत्तीगलको, ह बत्तीगलको, यहाँ बत्तीगलको क्या है राशन कार्ड? वो ऊपर से फाल्टु दुकान से आया बढ्यो फाल्टु कि आल्टो किलो त्यो पाउनु छ पनि कति पाउनु? कॉफी कितना पैसा करके खरीदते हैं? 12 का कितना करके खरीदते हैं? आल्टो के 3 तो फ्री होता है ना, आपको फ्री क्यों देगा? राशन कतिवटा पाउँछौ तिमीले पर हेड? कतिवटा पाउँछौ? 12 जनाको काट्छौ, 12 जना 12 मिलेगा इतना कि 12% का है, 12 वटा काटको। तो आपको 12 मिलने के बाद अब एक्सपायर कर देते हैं गवर्नमेंट का सामान लेके। अब ये किरकिर कर रहे हैं, तो किरकिर करने से आपको तो कंप्लेंट करना होगा। किरकिर कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट का सामान लेके ऐसे ऐसे एक्सपायर क्यों कर रहे हैं? आप नहीं खाते तो गरीब को मिल जाता, मुर्गे को खिलाने के लिए लेके आए। ठीक है, आप ऑफिस में आइए, चलिए इसका बोरा में डाल लेते हैं, इसमें डाल दीजिए। बोरा भी तो लगेगा, बोरा लगेगा, बोरा पूरा बोरा तो था। माथि म्युनिसिपालिटी आउनु पर्यो, यता आउनु पर्यो, कन्ज्युमर अफेयर काम गर्छ, कम्पनी 4 5 6 7 है, 8 है। इतना कार्ड लेके आप ऐसे लेकिन तो ठीक है। यो आज तपाईहरुले दार्जिलिङ सर परिसरमा जुन प्रकारले इन्स्पेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ नि, के विषय लिएर इन्स्पेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको चाहिँ कम्प्लेन तपाईको धेरै अगाडि नै आएको थियो र अरू डिपार्टमेन्टलाई पनि आउँदाखेरि चाहिँ आज हामी जोइन्ट इन्स्पेक्सनमा निस्केछौँ। यसमा चाहिँ नगरपालिका, कन्ज्युमर फोरम, फ्लाइब्रिगेड, पुलिस अनि अरू अन्य विभागहरू पनि एउटा टिम बनाएर चाहिँ आज यो फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ रेडको लागि चाहिँ हामी निस्केको। कुन ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी प्रगतिग्राम, यहाँ त्यो यहाँ प्रगतिग्राममा भुजा फ्याक्ट्रीमा आएको थियो र त्यहाँ चाहिँ हामीले अब धेरैवटा नखाने चिजहरू पनि देख्यौँ, प्लस भएन एक्सपायरी चिजहरू पनि धेरै भेटेको छ। र अब यसको चाहिँ एगेन्स्ट अब डिएम म्यामलाई उहाँ हाम्रो फोरमका डाइरेक्टर साहबले कम्प्लेनको लागि गर्छु भन्नुहुँदैछ, साथै नगरपालिकाले पनि अब एउटा एक्सन लिने नै भएको छ। यो जुन चाहिँ तपाईहरूले इन्स्पेक्सन गर्नुहुन्छ नि, यो कस्तो प्रकारले चाहिँ इन्स्पेक्सन मतलब यो आज गर्नुहुँदैछ, फेरि यो ग्याप हुँदै यो कस्तो प्रकारले चाहिँ अब चाहिँ कन्टिन्यू नै भन्दैछ? किनभने यहाँ हाम्रो अब जनतासँग पनि अहिले यो फ्याक्ट्रीहरू हेर्दाखेरि धेरै नै अब खेलवाड भएको देख्यो हामीले पनि है। अब अहिले हामीले देखिरहेको चाहिँ अब हामीलाई पनि फिल भयो, हामीले अब कस्तो अब अनहाइजेनिक हुनुपर्नेमा हाइजेनिक चिज खाँदै रहेछौँ है। यो जुन चाहिँ बजार एरियामा पनि जुन प्रकारले प्रडक्टहरु देखिन्छ यो एक्सपायरी डेट भएको प्रडक्टहरु पनि कति ठाउँ बेच्दै गरेकोहरु देखिन्छ त्यसमाथि पनि तपाईहरुले निगरानी राख्दै हुनुहुन्छ कि के अब यसमा पनि अब कन्टिन्यू नै हुनेछ किनभने आज यो हामीले जुन चाहिँ यो रेटमा आएर देख्यौ देख्दाखेरि त अब दार्जिलिङ बजार सबै नै रेटै गर्नुपर्छ किनभने यहाँ मात्र हैन अब अरु जग्गामा पनि एक्सपायरी चीजहरु त भेट्छ यसको इन्स्पेक्सनको लागि अब हामीलाई फेरि सायद फेरि उहाँहरुले पनि निम्ताउँछ होला किनभने आज त हामी वहाँ कन्ज्युमर फोरमको बोलाइमा आइपुगेको हौ। अच्छा सर यो आज चाहिँ कुन कुन ठाउँहरुमा चाहिँ आज तपाईहरुले इन्स्पेक्सन अब अहिले हामीले हेर्दैछौ है यो मुनि दुईटा रहेछ एउटा बन फ्याक्ट्री अहिले यहाँ पसेको छ है त्यहाँबाट यो माथिपट्टि पनि चाँदबारीमा पनि छ एउटा भुजाको फ्याक्ट्री रहेछ त्यहाँ पनि जाने छ हामी। अच्छा यो जुन चाहिँ भुजा फ्याक्ट्रीमा तपाईहरु आएर इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गरेको चाहिँ देखा परेन कि हजुर उहाँहरुमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने नै भएको छ। हजुर सुमन ट्रेड लाइट ना मान रिवर कब है दिखाएगा अच्छा हम नहीं था सर टाइल्स लगवाना है तो इसीलिए नहीं मंगाया बाजार ये रेशन का है नहीं राशन नहीं ये मैदा है ना ठीक है जिससे ये बनता है मैंने किसी पूछा था इसको नहीं हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं हमारे यहाँ मैदा होता है और रेशन होता है काम खत्म हो गया है बस मास्क पहन के रखिए पूजा भी बनाते हैं ना आज के लिए आप बैक वाइज को स्पीकर लगा लें लगा चिमनी के लागे आटा बस